अस्सलाम वालेकुम जी, रायसन नवाज़ आपसे मुखातिब हूँ और आपको एक नए व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त टाइम बच चुका है जी सुबह के 11 और शावर के बाद हमने सोचा क्यों ना हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया जाए, तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। समझ रहे हो, समझ रहा जी। कामन भाई कहाँ जा रहे हैं हम नाश्ते के लिए? जिला फुलपा, जिला के पास लेके जा रहे हैं। मज़ा आएगा, जिले की मौके चेक करने जा रहे हैं। देखिए और जमे ही नहीं आप पिंड वाले बरह रास्त लाहौर ही सारे सामने ये झीला है। अच्छा ये आ गया जनाब द लेजेंड झीला, झीला फूड पॉइंट मेरे भाई तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पानी की दो, पानी की दो, पानी ले गया आज। ये ऑर्डर हमारा आ चुका है जी, बिल्कुल सादा चने, ये देसी घी के चने कोफ्ता है, उसमें ये कबाब मखनी कबाब है, सैलड रायता जबरदस्त। ये बड़ा है बिजा इसको मिक्स कर ही खाया मजा आता है। भाई मजा आया। कानून क्या कहते बेहतरीन, पर खाना तो ऑब्वियसली आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जो मिल के आपको आपका जो इखलाक, मुझे जो खुशी हुई है, मैं बहुत आपको अभी तो गर्मी है, अल्लाह करे कभी सर्दियों का भाप आए तो मैं चलाता रहूँ काशी में। मैं 2-3 साल पहले रहा हूँ ब्रनी का, तो शुरू करेंगे इससे नहीं जगह बचा इन शुरू बुलाऊँगा आप दूर इन शुरू। मैं मेरा राय एस सी ब्लॉग्स के नाम से चैनल है, मैं पुराने से भी सीखा नहीं मैं यूट्यूब पर तो आप देखता रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि हम इस से होते हैं। अच्छा बिल नहीं वो सर मेरे ने आप क्या मोहब्बत है भाई, क्या मैंने खुद लगाया क्वार्टर का लगाया है, आपने खा लिया भी मेरे को टेस्ट आला था, लेकिन जो आपके इखलाक है सर बहुत शुक्रिया पहुँच गया। A few minutes later. ओके जी अब वापस आ चुके हैं अपने हॉस्टल एंड इट्स फाइनल रिव्यू टाइम। देयर इज़ नो डाउट कि जिला एक ब्रांड है और उनका खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ना वो उनका इखलाक था। ठीक है, वो एक ब्रांड होने के बावजूद भी एक आम आदमी की तरह आपको मिलता है या आपको एक मोहब्बत करता है, तो मैं मेरे लिए वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था। इवन कि उन्होंने हमारे से बिल नहीं लिया, हमारे इंसिस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि जी नहीं बिल आपसे नहीं लेंगे। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा यार कि उस बंदे का ना इखलाक बहुत अच्छा है, टेस्ट तो ऑब्वियसली उसका बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो एक ब्रांड बना है मुझे लगता है कि वो अपने इस इखलाक की वजह से, अपने इस रवैये की वजह से, अल्लाह उसको मज़ीद तरक्कियाँ दे।